मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है, और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर, वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपने लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया, उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है, वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है, और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया, आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने उसे न देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की या न तो किसी किसान की, उसे कोई लेना देना ही नहीं है, कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? 2014 से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, और फौजियों के बीच जाकर के उनके आंख में धूल झोंकने के लिए काम किए, बहुत सारी ड्रामेबाजी की, उनके चार छह चेले चपाटे भी बयान देने आ गए। किया क्या? 500 करोड़ रुपया का प्लान बनाया, 500 करोड़ रुपया। अब 500 करोड़ का प्लान बनाया, कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि 500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है, जानते थे वन रैंक वन पेंशन हो ही नहीं सकता है, उनको पूरा पता था, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने की हिम्मत थी, उसमें झूठ बोलने की ताकत थी, भ्रम फैलाने की आदत थी। वन रैंक वन पेंशन का वायदा मोदी ने गारंटी दी थी, मोदी ने पूरा किया, और आप हैरान रह जाएंगे, वन रैंक वन पेंशन के तहत अभी तक देश भर के सैनिक परिवारों को 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, 70,000 करोड़। 1,00,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक परिवार को मिले हैं। आप बताइए, 1,00,000 परिवारों को 4,000 करोड़, ये मामूली चीज नहीं है भैया। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, ये कांग्रेस के खेल समझिए भाइयों। आप सोचिए, कहां कांग्रेस के 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, इतना झूठ बोलते हैं लोग। साथियों, कांग्रेस ने हमारे छोटे किसानों को भी नहीं पूछा, कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया और हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। जिन किसानों ने जान दी है उसका जिम्मेदार कौन है? यहां के जो हमारे बाजरा उगाने वाले किसान हैं, उनके बारे में भी बीजेपी ने ही सोचा है।
भाजपा सरकार बाजरे को, मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में नई पहचान देने में जुटी है। G20 सम्मेलन के दौरान बाजरे की रोटी, दूसरे श्री अन्न के पकवान हमने दुनिया भर के नेताओं को परोसे, हमें गर्व होता है और इसे हमारे मेहमानों ने भी बहुत पसंद किया। भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर छोटे किसान के खाते में 28,000 रुपये भी जमा कराए। मेरे परिवारजनों, गरीबी क्या होती है और गरीब का दर्द क्या होता है, ये मैं